नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टॉक्स में आपका स्वागत है। यहाँ मिलते हैं आपको सरकारी एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारियाँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाया हूँ यानी कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका मैं आपको उपयोगिता बता देता हूँ कि आपको वोटर आईडी कार्ड का कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इसका जरूरत पड़ता है, ये लोकतंत्र के महापर्व यानी कि आपको जब वोटिंग करते हैं आप दोस्तों, जब अपने मतदाता से यानी कि अपने मत को दान करते हैं और अपना एक अच्छा नेता को चुनते हैं जो कि आपके देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करे, वो उसमें आपका सबसे बड़ा योगदान इसका होता है। और फ्रेंड्स, इसका आप अपने परिचय पत्र के रूप में, कोई डॉक्यूमेंट के रूप में यानी कि कहीं कोई जा रहे हैं या किसी कोई काम पड़ा उसमें भी आप लगा सकते हैं, आईडी प्रूफ के तौर पे इसे लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके लिए आपको बता दें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगा। और सबसे पहले तो दोस्तों, इसके लिए आपको एज यानी कि बताते हैं 18 साल, जो भी युवा का, जो भी यानी कि गर्ल्स या बॉयज जिनका भी 18 साल उम्र हो चुका है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से नीचे वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। तो फ्रेंड, जिसका भी 18 साल हो गया वो अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप लास्ट तक देखें कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि दोस्त फ्रेंड्स क्या होता है, कभी कभी आप के यानी कि अप्लाई करने कहाँ से करें नहीं करें यानी कि नहीं कर पाते हैं और वोट का समय आता है तो आप वोट देने के लिए नहीं जा पाते हैं और आप इस महापर्व के से वंचित रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन घर बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बस 5 से 10 मिनट में आप अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पोर्टल खोलना है यानी कि साइट जो है वोटर का आईडी कार्ड अप्लाई करने का, वो है www.nvsp.in यानी कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, यानी कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पे आप आएंगे, वहां से आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ के यहाँ पे आपको बहुत सारा सर्विस दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग फॉर्म का अलग अलग रूल है। जैसे कि यहाँ फॉर्म 00 यानी कि फॉर्म 6 है। सबसे पहले फॉर्म 6 के बारे में जानते हैं, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको फॉर्म 6 भरना है, जैसे कि दिया गया अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू वोटर ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम AC, ठीक है। उसके बाद यहाँ फॉर्म 001 है, अप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ रिप्लेसमेंट इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आप अपना फोटो बदलवाना चाहते हैं या कुछ भी उसमें रिप्लेस करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको फॉर्म 001 भरना पड़ेगा। जिसके उसके बाद यहाँ पे दिया गया फॉर्म 6A। फॉर्म 6A क्या चीज के लिए, तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज वोटर, यानी कि इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ दिया गया फॉर्म 7 डिलीटिंग ऑफ ऑब्जेक्शन इन इलेक्शन रोल। उसके अंदर जैसे कि आपका कभी क्या होता है कि दो दो वोटर कार्ड किसी का बन जाता है या कुछ भी, या नाम तो आप या कुछ गलती हो गया तो आप उसका डिलीट, या कोई किसी का मृत्यु हो गया तो आप नाम कटवाने के लिए वो फॉर्म 7 भर सकते हैं। और इसी तरह बहुत सारा फॉर्म है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड, तो उसके लिए हम फॉर्म 6 पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम फॉर्म 6 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म 6 अप्लाई करने के लिए। अब फ्रेंड्स, अप्लाई करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं इसके लिए जरूरत क्या क्या पड़ेगी। तो आप सबसे पहले एक फोटो रख लें स्कैन करके, यानी कि अप्लाई करने के लिए एक फोटो, और आपको एड्रेस यानी कि एड्रेस प्रूफ के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड सबसे मस्ट रहेगा, और आपको आयु प्रमाण पत्र यानी कि जन्म प्रमाण, जन्म के लिए, जन्म सर्टिफिकेट के लिए यानी कि जो आपको एड्रेस बर्थ प्रूफ देना है, उसके लिए आप मैट्रिक का सबसे अच्छा आप मार्कशीट लगा सकते हैं या मैट्रिक का या इंटर का, क्योंकि जिसमें डेट आपका लिखा है डेट ऑफ बर्थ सही सही उसे आप लगा सकते हैं। तो इतना चीज आपके रहने के बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, कहीं भी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपके सामने फॉर्म खुल चुका है अप्लाई का, फॉर्म 6। यहाँ पे सबसे पहले आपको राज्य का नाम चुनना है, तो कौन सा राज्य है वहाँ चुन लेंगे राज्य का नाम, तो बिहार मान लीजिए चुन लेते हैं, बिहार चुन लिया। उसके बाद यहाँ पे जिला डिस्ट्रिक्ट चुनना है तो अररिया जिला चुन लेते हैं। उसके बाद विधान संसदीय क्षेत्र, तो कौन सा संसदीय क्षेत्र है वो चुन लेते हैं। उसके बाद आन सभा क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण, तो वो आप पहली बार मतदाता रूप में, दोस्तों अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो वो होगा, यानी जैसे कि पहले किसी और जिला में बना हुआ है आप वहां से स्थानांतरण कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे नीचे वाला पे। उसके बाद अपना नाम डालना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इंग्लिश में नाम डालेंगे अपना, जैसे कि मान लीजिए कोई भी नाम डाल देते हैं, जैसे कि रवि डालते हैं, रवि डाले, और वहां पे आपका हिंदी में नाम खुद ब खुद लेना चाहिए। और वहां पे जैसे कि आपका नाम ले लिया है, जैसे कि जैसे ही आप डालेंगे वहां नाम लेगा।
अगर आप फ्रेंड्स आपका वहां नाम गलती आ रहा है, शो आ रहा है, गलत शो कर रहा है, तो आप वहां साइड में कीबोर्ड दिया गया है यहाँ पे, यहाँ से आप इसको इस नाम को, अगर आपका जैसे कि इंग्लिश में नाम लिखे, किसी किसी का नाम क्या होता है कुछ अजीब टाइप का होता है, आप इंग्लिश में लिखेंगे पर हिंदी कुछ कुछ अलग टाइप का ले लेगा आपका, तो वहां से आप यहाँ से जाके आप सही कर सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद उपनाम, यदि कोई उपनाम है तो वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दें। उसके बाद नातेदार का नाम, यानी कि अभिभावक का नाम, जो आप मान लीजिए अपना पिता का जी का नाम डाल सकते हैं या माता जी का नाम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप, और जैसे ही डालेंगे आपका वहां हिंदी ले लेगा। उसके बाद आवेदन के नातेदार का उपनाम, अगर कुछ उपनाम हो तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं हो तो नहीं। उसके नातेदारी, जो आपके नातेदार यानी कि मान लो पिताजी, तो पिताजी डाल दिए। उसके बाद चालू वर्ष की 1 जनवरी, यानी कि आयु, यहाँ पे कैलेंडर आप अपना डेट यानी कि कौन सा है वो ले लिया। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि डालना है आपको नीचे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जिसका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता रहता तो वो अपना हिसाब से 18 जो भी हो, 18 साल 6 महीना जो ईयर हो वो डाल सकते हैं। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अपना पता है तो यहाँ से आप डाल सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे नीचे वाला, यहाँ पे पूछ रहा है ये डालना ही है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जन्मतिथि डाल सकते हैं। तो मुझे अपना जन्मतिथि यानी कि पता है तो वहां से हम डालेंगे, तो अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपका मंथ सेलेक्ट करना है और ये कर देना। उसके बाद आवेदन का लिंक यानी कि कौन सा है, मेल फीमेल ये सब डालना है। उसके बाद यहाँ पे गृह संख्या डालना है। उसके बाद यहाँ पे गली, यानी कि आपको मैं बताने के लिए ओनली बता रहा हूँ, ये कोई यानी कि एक डेमो फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे गली नंबर डालना है, फिर आपका ग्राम शहर ये सब डालना है। उसके यहाँ पे डाकघर डालना है नीचे, फिर पिन कोड डालना है। उसके आपका यहाँ पे बिहार सेलेक्ट किया गया क्योंकि आप भरने से पहले ही तभी सिलेक्ट कर लेते, जिला भी सिलेक्ट किया हुआ है। अब नीचे आएंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे आपका अगर सेम पता हो, अगर मान लीजिए आपका डिफरेंट पता हो तो वो अलग बात है, अगर सेम पता हो तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, तो दोनों में सेम फील हो जाएगा। अगर अलग अलग होगा तो आप अलग अलग कर सकते हैं। और फिर से हम नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके और यहाँ पे फैमिली यहाँ के डिटेल डाल सकते हैं फ्रेंड, कितना फैमिली मेंबर है ये सब भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे अगर कोई विकलांगता है वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं डालेंगे। उसके ईमेल आईडी, अगर आपका ईमेल आईडी हो तो वो डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर, ये दोनों ऐसे आप डाल ही दे, उससे क्या होगा कि आप अगर कोई भी अपडेट आता है तो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज के द्वारा भेज दिया जाएगा, तो आप इसमें डाल ही दे तो अच्छा रहेगा। उसके यहाँ पे दिया गया सहायक दस्तावेज अपलोड करें, वो भी आपको जेपीजी पीएनजी या ये फॉर्मेट दिया गया है, और वो भी मैक्सिमम 2 MB, यानी कि 2 MB से ऊपर का ये फाइल नहीं होना चाहिए। तो अपना मैंने पहले ही बता दिया था वो क्या क्या जरूरत पड़ेंगे, तो सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है यहाँ पे। उसका एज यानी कि एज प्रूफ, एज डिक्लेरेशन, उसके लिए आपको सबसे मस्ट मैंने बताया था कि मैट्रिक का मार्कशीट सही रहेगा, क्योंकि उसमें आपका सब चीज दिया रहता है, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज दिया रहा है। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप आधार कार्ड या कुछ भी लगा सकते हैं वहाँ पे, या जन्म प्रमाण पत्र जिनके पास है वो सबसे मस्ट, वो अच्छा रहेगा, वो लगा सकते हैं। उसके आयु प्रमाण पत्र यहाँ पे देना है, वो दे सकते हैं। फिर पता प्रमाण पत्र वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, पता में क्या दे सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, इतना चीज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके जब इतना डालने के बाद आप नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको ग्राम शहर डालना है, उसके राज्य चुने, कौन सा राज्य है आपका वो चुन सकते हैं, फिर जिला सेलेक्ट करना है, फिर दिनांक यानी कि जो जिस तारीख को आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे डेट वहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपना क्या लिखा हुआ है, मेरा राज्य में निर्वाचन क्षेत्र के, जिसके लिए नीचे निम्नलिखित पता सही है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे, कौन सा राज्य से आप या स्थान, मान लीजिए मैं अररिया से अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ अररिया देंगे, वहाँ डेट डाल देंगे, जैसे कि आज का खुद का डेट ले लिया है। उसके नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है और फ्रेंड्स यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक आपको एनरोलमेंट नंबर आएगा, उससे आप क्या कर लें, उसे लिख लेंगे या उसे सेव कर लेंगे। उससे क्या होगा, मैं फ्रेंड अभी आपको बताता हूँ, मैं डायरेक्ट फिर होम पेज पे जाऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको एनरोलमेंट नंबर जैसे ही मिल जाएगा, उसके बाद आप उसे लिख लेंगे और फ्रेंड 10 से 15 दिन के बाद या जब भी चाहते हैं वो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे दिया गया आपको, यहाँ
यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्रेंड ट्रिक एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो आपने एनरोलमेंट नंबर लिखा था जो आपको सबमिट करने के बाद जो आएगा वहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे और वो आपका बता देगा कि क्या आपका स्टेटस है वोटर आईडी कार्ड का, बना है कि नहीं भी आप बना, क्या है नहीं है, कब तक आएगा, ये सारा यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने ये फील इस वीडियो के देखने के बाद आप अपना वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स आपके लिए। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट आए मैं आपको दे सकूँ। धन्यवाद।